अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शीरिन काजी। आज हम बना रहे तवा एग मसाला, तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। देखिए, मैंने अभी इधर 5 अंडे ले लिया है। अंडे को अभी हम बीच में से कट कर लेंगे। देखिए, मैंने अंडे को बीच से कट कर लिया है। देखिए, मैंने अभी इधर एक तवा ले लिया है। तवे में अभी हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसमें अंडे को रख देंगे। देखिए, मैंने तवे पे अंडे को डाल दिया है। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 1 मिनट के बाद अभी हम इसको दूसरी तरफ भी पलट देंगे। अंडे को पलटने के बाद अभी हम इसको दूसरी तरफ भी 1 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए, अंडे अच्छे से पक चुके हैं, इस पे अच्छा सा कलर आ चुका है। चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे। अभी हम वही तवे में 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ता और बारीक कटे हुए लहसुन के टुकड़े और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज में कटी हुई प्याज। प्याज को अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अभी हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। देखिए, मसाले को प्याज के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें अंडे को रख देंगे। देखिए, मैंने अंडे को रख दिया है मसालों पे। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद अभी हम इसको दूसरी तरफ भी पलट देंगे। दूसरी तरफ भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि मसाले अंडे पे अच्छे से लग जाए। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। देखिए, माशाल्लाह तवा एक मसाला बन के रेडी है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए, मैंने इधर सर्व कर लिया है तवा एक मसाले को। धनिया पत्तों से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ईजी एंड सिंपल सी रेसिपी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।